जैसा कि आप जानते हैं, हम ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली बुक को पूरी तरह से 30 दिनों में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। हमने पहले दिन को कवर किया है, आज हमारा दूसरा दिन है। अगर आपने पहले दिन को नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देखिए। आज अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले हड़प्पा सभ्यता तक के एमसीक्यू को देखा है, आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक संस्कृति से और देखते हैं कहां तक हम पहुंचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या फिर संस्कृति का काल पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति। तो याद रखिएगा, पूर्व वैदिक संस्कृति को ही ऋग वैदिक संस्कृति कहा जाता है। उसका काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। अच्छा देखिए, कह रहा है प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, आर्य संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही है। आर्य लोगों के द्वारा ही घुड़सवारी का शुरुआत किया गया, तो ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है, लेकिन वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, क्योंकि अब जानते हैं आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो ये गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुलभ सूत्र है, याद रखिएगा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुलभ सूत्र है, जो कि एक तरह से ज्योमेट्री था। ठीक है, ज्योमेट्री था, अंग ज्यामिति था, जिसमें यज्ञ कुंड के सारे जो डायमेंशन होते हैं वो इसमें देखा जाता था। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुलभ सूत्र है। देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद है, क्योंकि ऋग वैदिक काल ही शुरुआती काल है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहला उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले वेद लिखा गया, और वेदों में भी ऋग्वेद, उसके बाद ब्राह्मण के बाद आरण्यक, और आरण्यक के बाद उपनिषद। तो याद रखिएगा, सबसे पहला उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखा गया वो था आपका वेद, उसके बाद ब्राह्मण के बाद आरण्यक, और आरण्यक के बाद उपनिषद। याद रहेगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या चार है। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को संयुक्त रूप से त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद से भारत में प्रयुक्त, जो भारत का राज चिन्ह है सत्यमेव जयते जो यूज होता है, तो उसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को माना जाता है। प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। अब देखिए, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन ही था। याद रखिएगा, ऋग्वेद में संपत्ति को गोधन से ही जोड़ा जाता था। गाय जिसके पास है उसी से जोड़ा जाता था ऋग्वेद में संपत्ति को। देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में
शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है ये भी पूछा जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना था, जो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा, सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुल्व सूत्र, तो याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया था ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है सुल्व सूत्र। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय कहां से लिया गया है? तो अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय ये लिया गया है आपके उपनिषद से। ये कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां पर बसे? तो आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम पंजाब वाले क्षेत्र में बसे थे। याद रखिएगा, अब कहा जा रहा है कि कुछ वेद दिए गए हैं और उसके यज्ञकर्ता दिए गए हैं, तो ये दिखाना है हमें भाई। तो चलिए देखते हैं कि करके। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले हड़प्पा दे दिया गया है, और हड़प्पा ये मिसप्रिंट है, क्योंकि हड़प्पा तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और वो रावी नदी के किनारे था, तो ये तो अलग बात है। यहाँ से देखते हैं, ऋग्वेद के पढ़ने वालों को, ऋग्वेद को पढ़ने वालों को या ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को कहा जाता था होता या फिर होत्री। यजुर्वेद के पढ़ने वालों को अधर्व्यु कहा जाता है। सामवेद के पढ़ने वालों को उद्गाता या फिर उद्गात्री कहा जाता है। अथर्ववेद के पुजारी या फिर यज्ञकर्ता या फिर पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहा जाता था। याद रखिएगा, ऋग्वेद के पढ़ने वालों, ऋग्वेद के उच्चारण करने वालों, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को कहा जाता था होता या फिर होत्री। यजुर्वेद के अधर्व्यु, सामवेद का उद्गाता या फिर उद्गात्री, अथर्ववेद को ब्रह्म कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय इसीलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, पुरुषों के द्वारा नहीं। तो वेदों को इसीलिए अपौरुषेय कहा गया है, पुरुष के द्वारा नहीं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनाद थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनाद थे। याद रखिएगा, मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। वैशेषिक दर्शन उलूक कनाद, मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वद्रायन थे। जैमिनी मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक थे। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो याद रखिएगा, नवा मंडल। याद रखिएगा, नवा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, ऋग्वेद के देव नवा मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराज्य युद्ध कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराज्य युद्ध कहा जाता है, वो परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है वो 1/4 था, यानी कि 1/4 आपको भू राजस्व देना होगा अपनी उपज का। ठीक है, तो याद रखिएगा, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो यह हुआ था आपके धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में? तो धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा पूर्ण रूपेण स्पष्ट रूप से उदित हुई। ठीक है, उदित हुई। आगे देखिए, कहा जा रहा है, एशिया माइनर स्थित बोगाज काई का महत्व इसीलिए है क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इन सबका उल्लेख मिला है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि गायत्री मंत्र या फिर जो देवी सावित्री को समर्पित है, संबोधित है, किस पुस्तक में मिलता है? तो ये आपके ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम ऋषि ने किया था। तो याद रखिएगा, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन? गौतम ऋषि। प्राचीन भारत में निष्क से किसे जाना जाता था? प्राचीन भारत में निष्क से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। प्राचीन भारत में निष्क से स्वर्ण आभूषण
भूषण को जाना जाता था, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि? ये तो बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है, ये बता दीजिएगा। उपनिषदें पुस्तकें हैं किस पर? तो उपनिषदें जो उपनिषद पुस्तक जो है वो है आपके दर्शन शास्त्र पर, ठीक है, फिलॉसफी पर। याद रखिएगा, उपनिषद पुस्तक दर्शन शास्त्र पर, फिलॉसफी पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऋग्वेद के बारे में कुछ यहाँ पर दिया गया है और उसे सम्मिलित करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं, इसमें मंत्र वगैरह, प्रार्थना, इन सबका संकलन ऋग्वेद में था, ठीक है, ये कहा जा सकता है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यजुर्वेद जो था, यजुर्वेद में कर्मकांड वगैरह का उल्लेख है, ठीक है, कर्मकांड ये सब का उल्लेख है। सामवेद को हम तो सीधी सी बात है यहाँ से समझ सकते हैं, संगीतमय स्रोत, संगीत का जनक भी कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को। अच्छा, अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का इसमें उल्लेख है, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है, याद रखिएगा, सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के, ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में, याद रखिएगा, कठोपनिषद में। अब देखिए, वैदिक नदी कुभा जो कि काबुल नदी है भी, का स्थान कहाँ निर्धारित तो होना चाहिए, ठीक है, ये कहाँ होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में ये। अच्छा, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया गया था। कपिल मुनि सांख्य दर्शन, गौतम ऋषि न्याय दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, ठीक है, हमने देखा। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सबके बारे में हमने देखा हुआ, ठीक है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला है आपको अतरंजी खेड़ा से, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है भागवत, याद रखिएगा, प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है भागवत, जबकि भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद ये सब प्रस्थान त्रय में शामिल है, तो याद रख लीजिएगा इसे। कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से, जो उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इन सब का सिद्ध जो है कर्म से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि बताइए, यहां कुछ दिया गया है वेद और उसे मिलान करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहला यहां पर है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में औषधि वगैरह का ज्ञान है, अथर्ववेद में औषधि वगैरह का भी ज्ञान है, तंत्र मंत्र वशीकरण का भी ज्ञान है, तो यहां औषधि है तो हम यही लगाएंगे। ऋग्वेद, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा की बात करी गई है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में बलिदान विधि, कर्मकांड, यज्ञ, कर्मकांड, इन सब का उल्लेख है, और सामवेद तो संगीत का है, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अच्छा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसमें कोई पूछने की बात है, चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। आगे देखिए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहां से चलता है? अभी हमने देखा यजुर्वेद से, यज्ञ संबंधी कर्मकांड वगैरह का जो है विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है, यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभ्यता मंत्री परिषद थी, याद रखिएगा, वैदिक युगीन जो सभा थी, वैदिक युगीन जो सभा होती थी वो मंत्री परिषद के रूप में होती थी। अच्छा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? गणतंत्र टाइप का। कैसा? गणतंत्र प्रकार का। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसा था? गणतंत्र प्रकार का। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नीचे दिया गया कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन है, और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? अभी आपको मैंने बताया था, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। याद रखिएगा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो वैदिक युग में। कब? वैदिक युग में। अच्छा, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये था आपका लुहारगिरी, आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, जबकि मिट्टी से बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, बढ़ईगिरी करना, ये सब इनमें मतलब इसके व्यवहार में लाया गया था, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है भाई, तो आयुर्वेद जो उपवेद दिया गया और उससे संबंधित वेद दिया गया, ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको।
आयुर्वेद का, आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद अथर्ववेद क्योंकि मैंने अभी देखा था कि अथर्ववेद औषधियों से संबंधित भी यहाँ से, यहाँ पर बहुत सारे हमको टर्म मिल जाते हैं। तो आयुर्वेद अथर्ववेद से संबंधित उपवेद है। धनुर्वेद जो है ये आपके धनुर्वेद, एक मिनट, यहाँ आयुर्वेद जो है ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, आप इसे सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद से संबंधित उपवेद है, ठीक है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, और शिल्प वेद या फिर अर्थशास्त्र ये है अथर्ववेद का उपवेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का, गंधर्व वेद सामवेद का, और शिल्प वेद या फिर अर्थशास्त्र अथर्ववेद का, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? याद रखिएगा, ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये आपका है दूसरे मंडल से सातवां मंडल तक। याद रखिएगा, दूसरा मंडल से लेकर के सातवां मंडल तक को क्या कहा जाता है? वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? तो याद रखिएगा ये आपका अथर्ववेद में है। किस वेद में जादुई माया तथा वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है भाई। अब कहा जा रहा है आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए। अच्छा, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो याद रखिएगा ये है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद अंशतः कुछ इसके गद्य रूप में भी रचित है, ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद की ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। याद रखिएगा ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आया। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आया। अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ जब विवाह होता है, उच्च वर्ण का हाई क्लास का पुरुष और निम्न क्लास का निम्न वर्ण की नारी के साथ जब विवाह होता था तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। अच्छा, कहा जा रहा है प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? प्रतिलोम विवाह वो विवाह है जब उच्च वर्ण की नारी हो और निम्न वर्ण का पुरुष हो। याद रखिएगा उच्च वर्ण का पुरुष तो अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण की नारी तो प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। वैदिक युग में यव जव को कहा जाता था। वैदिक युग में यव जव को कहा जाता था। अब देखिए कहा जा रहा है व्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गेहूं के लिए प्रयुक्त, सॉरी, व्रीही शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रीही शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का, अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। शिक्षा, शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से है। शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से है। कल्पसूत्र में कर्मकांड वगैरह विधि विधान ये सब दिया गया है। निरुक्त की अगर बात करिए, 6 हमारे क्या है भाई, वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। तो ये वेदांग है और वेदांग के ये टाइप है। तो शिक्षा में ध्वनि शास्त्र की कैसे बोलना है क्या, ये सब सिखाया जाता था। कल्पसूत्र में विधि विधान वगैरह, निरुक्त में जो है शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, ये था। छंद में छंद शास्त्र तो याद रख लीजिएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि थे, पाणिनि। अच्छा, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो याद रखिएगा ये है आपका मनुस्मृति, इसमें प्राचीनतम है, मनुस्मृति प्राचीनतम है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जा सकती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जा सकती है, रामायण को दी जाती है, ठीक है। रामायण को आदि काव्य की रचना दी जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या फिर कुटुंब थी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या फिर कुटुंब थी, याद रखिएगा।
आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो ये आपका इंद्र है। इंद्र की स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, याद रखिएगा। अब देखिए, किस वेद में सभा को नरिष्ठ, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ, नरिष्ठ का मतलब सामूहिक वाद विवाद या फिर अनुल्लंघनीय मतलब उल्लंघन न करने योग्य सभा को कहा गया, ये अथर्ववेद में कहा गया है। देखिए, कहा जा रहा है कि इस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा ये आपका है मैत्रेयिनी संहिता में। मैत्रेयिनी संहिता में नारी को सुरा जो आपका मद्य होता है, जो अल्कोहल जो दारू है उससे, और पांसा मतलब जवा वगैरह के साथ तीन और प्रमुख बुराइयों के साथ नारी को शामिल किया गया है मैत्रेयिनी संहिता में। मैत्रेयिनी संहिता में उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो उत्तर वैदिक काल में अगर बात करें प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ऋग्वैदिक काल में इंद्र को, ठीक है, इंद्र को, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था प्रजापति को। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि राजसूय यज्ञ कब किया जाता था, तो राजा के सिंहासन रोहन, राजा का जब सिंहासन रोहन होता था उससे संबंधित यज्ञ था राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे है, तो राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। वाजपेय यज्ञ क्या था भाई, तो शौर्य प्रदर्शन तथा प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ। अग्निस्तोम यज्ञ क्या था, तो यह था आपका देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो सोमरस आप क्या समझते हैं कि सोमरस का मतलब दारू या फिर कुछ ऐसा होता था क्या, बिल्कुल नहीं। सोम जो होता है वनस्पति का देवता है और वनस्पतियों का रस एक एनर्जी ड्रिंक था सोमरस, ठीक है। तो सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्निस्तोम यज्ञ किया जाता था, वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन तथा मनोरंजन के लिए रथ दौड़ होता था एक तरह से, और अश्वमेध यज्ञ में राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला यज्ञ था राजसूय यज्ञ, के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि कुछ नदियां हैं और उसके पुराने नाम और नए नाम के साथ उल्लेखित मतलब मिलान कीजिए, तो चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है परुसनी नदी का नया नाम क्या है भाई, रावी नदी, मतलब रावी नदी को पहले परुसनी नदी कहा जाता था ऋग्वेद में। अच्छा, सतलज नदी को सतुद्री नदी कहा जाता था, चिनाब को आस्किनी, व्यास को विपाशा, याद रखिएगा रावी परुसनी, सतलज सतुद्री, चिनाब आस्किनी तथा व्यास विपाशा, ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या 16 संस्कार, आप सुनते ही होंगे कि 16 संस्कार किए जाते हैं हिंदू धर्म में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, तो 16 संस्कार है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि सुमेलित करना है ब्रह्म विवाह क्या है, दैव विवाह क्या है, ब्रह्म विवाह क्या भी, तो देखिए समान वर्ण या फिर जाति का विवाह जो होता था वो ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आता था। दैव विवाह का मतलब है पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। दैव विवाह का मतलब है कि पुरोहित होते थे जो यज्ञ कराने वाले, या फिर उसको पारिश्रमिक यानी कि उसके पारिश्रमिक के तुलना में वो कन्या के साथ विवाह करा दिया जाता था। आर्ष विवाह क्या होता था, तो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह, ठीक है, यह आर्ष विवाह था। और प्रजापत्य विवाह क्या था, तो बिना दहेज का जो विवाह होता था उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए आगे दिखा गया है गंधर्व विवाह क्या है, यह असुर विवाह क्या है, तो ये सब की हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि गंधर्व विवाह मतलब जो प्रेम विवाह होता था, ठीक है, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। आसुर विवाह क्या है, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, तो पराजित राजा की कन्या या फिर अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। पैसाच विवाह क्या है, तो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैसाच विवाह के अंतर्गत आता है। अब देखिए तीन ऋण में क्या शामिल नहीं है, तो तीन ऋण में शामिल नहीं है आपका मातृ ऋण, जबकि देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण शामिल है, जबकि मातृ ऋण इस तीन ऋण में शामिल नहीं है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति किससे है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार की मृदभांड संस्कृति थी, बर्तन कैसे बनते थे, तो याद रखिएगा यह आपका ओसीपी यानी कि गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, ठीक है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में, तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति और
स्वनिर्मित भांड संस्कृति ऋग्वैदिक काल का यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का आपका है चित्रित धूसर मृदभांड। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते थे तो उस पर धूसर मतलब गेरुआ कलर से चित्र बनाया जाता था। तो हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो ये आया है आपका भगवानपुर से। याद रखिएगा हरियाणा प्रांत में भगवानपुर है और वहां पर चित्रित धूसर मृदभांड कुछ पाया गया है, तो भगवानपुर। ठीक है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। अब देखिए क्या कहा जाता है ऋग्वेद में, अघन्य या फिर वध योग्य नहीं किसे कहा गया? तो गाय के लिए प्रयुक्त किया गया था ऋग्वेद में। अघन्य जिसका मतलब होता है जिसका वध ना किया जा सके, इस शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया। किसके लिए? गाय के लिए किया गया। अब आगे देखते हैं कि संग्रहित्री किसे कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? तो कोषाध्यक्ष को। अच्छा, भागदूत जो अधिकारी होता था वो कौन होता था? तो कर संग्रह करता यानी कि टैक्स को कलेक्ट करने वाला भागदूत कहलाता था। छता या फिर छत्री किसे कहा जाता था? तो पासे के खेल में जो राजा का सहायक होता था उसे छत्री कहा जाता था। और अक्षवाप कौन होता था भाई? तो अक्षवाप होता था प्रतिहारी या फिर राजप्रसाद। राजप्रसाद किसे कहते हैं? तो राजमहल का जो रक्षक वगैरह होता था उसे अक्षवाप कहा जाता था। तो संग्रहित्री कौन होता था? कोषाध्यक्ष। भागदूत कौन? कर संग्रह करता। और छता या फिर छत्री तो पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता था। अक्षवाप होता था प्रतिहारी या फिर राजा प्रसाद का रक्षक। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि रित या फिर प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए रित स्थापित करने के लिए किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप कहा गया है वरुण को। याद रखिएगा वरुण को प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने या फिर रीत स्थापित करने के लिए ऋतस्य गोप कहा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। कौन मूलतः जल या समुद्र का? तो वरुण जो है जल या फिर समुद्र का देवता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि तीन पग में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो याद रखिएगा विष्णु को तीन पग में तीनों लोक माप लेने के कारण उसे विष्णु को उपक्रम कहा गया है। ठीक है, उपक्रम कहा गया है। ठीक है, अब देख लीजिए। अब आगे क्या दिया गया है? यहाँ पर है कुछ देवता से संबंधित नाम। पूषण किसे कहा गया? पूषण किस देवता को कहा गया भाई? तो पूषण कहा गया विवाह का देवता। ठीक है, पूषण विवाह का देवता। रुद्र पशुओं का, एक मिनट। द्यौ या फिर द्यौस जगत के पिता। अदिति देवों की महान माता। पूषण विवाह का देवता। रुद्र पशुओं का देवता। द्यौ जगत के पिता। अदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः कानून से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से? तो ईरान से संबंधित है। अवेस्ता का संबंध ईरान से है जो पारसी धर्म का एक धर्म ग्रंथ। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? देखिए वे अश्वों रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए वे गौ से परिचित थे, ये भी सही है। जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, ये सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल उपयोग से परिचित थे, ये भी सही है। लेकिन जो ऋग्वैदिक मतलब यानी कि उत्तर वैदिक काल के आर्य जो थे वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। याद रखिएगा यहां पर उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये जो कुभा या फिर क्रूमु दिख रहा है यही वाला है। ठीक है, अच्छा, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। रीत जो है एक मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये दोनों सही है, धर्म तथा रीत ये दोनों सही है। एक और दो दोनों हो जाएगा। धर्म क्या है और रीत क्या है, ये दोनों सही है। यहाँ दोनों के बारे में सही दिया गया है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो याद रखिएगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्यों का जो मूल स्थान है वो कहा था आर्कटिक से आए थे ये। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है।
कि कुभा और कुछ कुछ नदियां हैं और उसके प्राचीन नाम दिए गए हैं वैदिक नदियों के नाम। तो यहाँ पर कुभा नदी किसे कहा गया भाई, तो कुभा नदी काबुल नदी का प्राचीन नाम था, काबुल नदी का प्राचीन नाम कुभा। परुश्नी नदी अभी हमने देखा हुआ है, रावी नदी को परुश्नी नदी। सदा निरा नदी कौन सा नदी था, सदा निरा नदी गंडक नदी। और सतुद्री नदी सतलज नदी। तो ये बात देख लीजिएगा, कुभा नदी काबुल, परुश्नी नदी रावी, सदा निरा गंडक और सतुद्री सतलज नदी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में आपके 1028 सूक्त है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, याद रखिएगा ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि निम्न में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कनाद को कहा जाता है। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा, विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, तो ये थे आपके ऋषि गौतम रहुगण। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव, विदेद माधव ऋषि गौतम रहुगण से संबंधित थे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, किस ग्रंथ को सत्सहस्री संहिता महाभारत को कहा गया, सत्सहस्री संहिता महाभारत को कहा गया। देखिए हम डिटेल में यहाँ पर प्रश्नों को नहीं करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव में दिया गया है उसी को करेंगे। अगर डिटेल में यहाँ करने लगे तो बहुत लंबा लंबा वीडियो बनेगा, जो कि सही नहीं है। तो थ्योरी क्लास में हम डिटेल में चीज़ों को भी करेंगे, यहाँ आप केवल MCQ देखिए। तो किसे सत्सहस्री संहिता को महाभारत के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे महाजनपद काल को, महाजनपद काल का अगर समय काल देखा जाए तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक को महाजनपद काल का पहला चरण हम कह सकते हैं, ठीक है। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल, चलिए एक एक करके देखते हैं। महाजनपदों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है कि गांधार की राजधानी कौन सी थी, गांधार की राजधानी था तक्षशिला, याद रखिएगा गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। सुरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौसाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। देखिए 16 महाजनपद थे जिसमें से एक महाजनपद अस्मक जो मात्र दक्षिण भारत का राजधानी, दक्षिण भारत की महाजनपद था। तो ये सब हम डिटेल में यहाँ अभी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, सुरसेन का मथुरा, वत्स का कौसाम्बी और कौशल का श्रावस्ती। कौशल का श्रावस्ती। हरियंक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो हरियंक वंश के उदयन को कुनिक कहा जाता था। उदयन इसका बेटा था, ठीक है। तो हरियंक वंश के अजात शत्रु को कुनिक कहा गया, ठीक है। हरियंक वंश के अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता था। अच्छा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, तो ये था आपका उदयन, ठीक है। गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने करी, किसने, उदयन ने करा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कालाशोक थे। ये कौन थे, कालाशोक थे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई। सिकंदर महान एवं महान पुरुष पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था, तो याद रखिएगा ये था आपका झेलम नदी के किनारे, ठीक है। झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीच भी बोला जाता था, ठीक है, हाइडेस्पीच का युद्ध। तो देखिए कहा जा रहा है कि सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं की किस नदी के सामने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था, तो झेलम नदी के किनारे, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि किस प्रकार का मृदभांड या फिर जिसे पटरी कहते हैं, बर्तन मिट्टी के, भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया, तो ये था आपका उत्तरी काले पॉलिश कृत बर्तन, याद रखिएगा। ये गेरू रंग के मृदभांड, ये तो आपका पूर्व वैदिक काल का था। चित्रित धूसर मृदभांड, ये तो आपका उत्तर वैदिक काल था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। और ये जो उत्तरी काले पॉलिश कृत बर्तन है, ये मृदभांड जो है ये द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण का प्रारंभ माना जाता था। तो पहला शहरीकरण कौन था, तो हड़प्पा सभ्यता जो हम लोगों ने देखा था। पाली ग्रंथ में गाँव के मुखिया को क्या कहा गया, तो पाली ग्रंथ में गाँव के मुखिया को भोजन या फिर ग्राम भोजक कहा गया। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा गया। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था। नंदवंश का संस्थापक कौन, तो नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद, नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद। ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया, तो घनानंद को। ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों के द्वारा अग्रमीज या जैंड्रमीज घनानंद को कहा गया, किसे, घनानंद को कहा गया। अच्छा, प्राचीन
प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। ठीक है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो ये कौन था भाई? ये था आपका डेरियस या फिर दारेबाहु प्रथम। तो ईरान के हकमनी वंश के डेरियस या फिर दारेबाहु प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। ठीक है, हाइडेस्पीज या बितस्ता जिसका आधुनिक नाम झेलम है, जो कि अभी हमने बात किया हुआ था। ठीक है, इसका युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? तो अभी हमने देखा सिकंदर तथा पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, झेलम नदी के किनारे। अब देखिए सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है, बिंबिसार का संबंध हरियक वंश से, कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से, महापद्मानंद का संबंध नंद वंश से, बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से। बिंबिसार का संबंध हरियक वंश से, कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से, महापद्मानंद का संबंध नंद वंश से, बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से। ठीक है, मौर्य वंश से। अब आगे देखिए कुछ महाजनपद हैं और अभी आधुनिक क्षेत्र कौन से हैं उनके। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। मगध, तो मगध जो है पटना व गया के जो जिले हैं मगध क्षेत्र में आते हैं। अभी मगध महाजनपद जो अभी आधुनिक क्षेत्र पटना व गया के जिले हैं। जो वत्स महाजनपद था अभी आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? तो इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज हो गया अब इसका नाम। ठीक है, तो वत्स जो है प्रयागराज के नाम से। कौशल महाजनपद जो है अभी जो नया क्षेत्र आधुनिक क्षेत्र है ये अवध वाला क्षेत्र। ठीक है, अवंती मालवा वाला क्षेत्र। चलिए, मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज या फिर राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी थी, अच्छा किस शासक के द्वारा? तो उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। सोलह महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में मिलती है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। घनानंद जो राजा था नंदवंश का, वो सिकंदर महान का समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उदय जो हुआ था ये छठी सदी ईसा पूर्व में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी सदी बोला जाए तो 600 से 700 के बीच आता है। ठीक है, अच्छा सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण यह थे कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा कहा जा रहा है कुछ राजा है और उससे संबंधित राज्य है, तो उसे भी देख लीजिए एक साथ। तो कुछ राजा और संबंधित राज्य है, चलिए देखते हैं एक करके। प्रद्योत जो था ये अवंती का राजा था। चंड प्रद्योत के बारे में आपने सुना होगा, प्रद्योत अवंती का राजा था। उदयन मगध साम्राज्य में भी इसका शासन था। और अगर बात करें यहाँ अजात शत्रु भी दिया गया है, तो पहले अजात शत्रु तो अजात शत्रु मगध का है, और उदयन ने यहाँ पर भी शासन किया होगा वत्स में, वत्स जो कि इलाहाबाद का नया नया प्रयागराज। और प्रसेनजीत कौशल राज्य से संबंधित। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। आगे देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो कहाँ के अभिलेखीय साक्ष्य से? तो कलिंग में कुछ अभिलेखीय साक्ष्य हैं जहां से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यह कलिंग के अभिलेखीय साक्ष्य से प्राप्त होता है, पता चलता है। ठीक है, पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक कौन था? डेरियस था या दारेबाहु था, जो वो जिसने भारत के कुछ भागों पर अपना अधिकार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो इसका सदैव युद्ध रहा वज्जिसंघ या फिर वैशाली जिसे कहा जाता है। तो मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव वज्जिसंघ में वैशाली के साथ युद्ध रहा था। ठीक है, वज्जिसंघ के विरुद्ध मगध
मगध राज्य के किस शासक ने वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, रथ मुसल तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो अजात शत्रु ने किया था। किसने? अजात शत्रु ने। याद रखिएगा, रथ मुसल तथा महाशिला कंटक का यूज मगध का राजा अजात शत्रु ने वज्जी संघ के खिलाफ किया था। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। याद रखिएगा, घनानंद जिसे कि अग्रमीज या फिर एड्रमीज कहा जाता था, किसके द्वारा? यूनानी तथा ग्रीक लेखकों के द्वारा। तो याद रखिएगा, अब देखिए नंदवंश अंतिम शासक था घनानंद के द्वारा। भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का चलन कब शुरू हुआ? तो भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का चलन 600 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। निम्न राजाओं पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए कर लेते हैं। चलिए, यहां से कहा जा रहा है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, तो यह कहा जा रहा है अजात शत्रु, बिंदुसार तथा प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो देखिए, बिंदुसार तो बुद्ध के समकालीन नहीं था, क्योंकि बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद का राजा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज का बाद का राजा है, तो बिंदुसार तो मौर्य साम्राज्य, तो ये तो गुप्त बौद्ध के समय नहीं था। जबकि अजात शत्रु हर्यक वंश का, और प्रसेनजीत जो कि कौशल महाजनपद से संबंधित है, तो इन दोनों का संबंध किससे है? बौद्ध के समकालीन था। ठीक है, भगवान बुद्ध के समकालीन था। देखिए, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों, तो इसका क्या था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर विस्तारित तरीके से जो है लोहे का उपयोग मुख्य कारण है इसमें बड़े बड़े राज्यों का उदय। ठीक है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसे भी याद रख लीजिएगा, यह भेजा था आपके अवंती के राजा चंड प्रद्युत के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो किस शासक ने? तो ये किया था शिशुनाग ने। याद रखिएगा, किस शासक ने अवंती को जीतकर, तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। बिंबिसार ने अंग राज्य का विलय अपने राज्य में कर लिया, अंग महाजनपद का विलय अपने राज्य में कर लिया। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने अवंती का किया था, वत्स का भी कर लिया था, लेकिन ये काशी का इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, काशी महाजनपद का विलय अपने में नहीं किया था। अब देखिए, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो यह किया था अजात शत्रु ने। काशी और लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में अजात शत्रु ने किया था। याद रखिएगा, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में अगर देखें, यहाँ पर देखिए एक एक करके फैक्ट को देखते हैं कि पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बिल्कुल सही बात है कि पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, जिससे जो कि जरासंध का पिता था। जरासंध का जो ये बृहद्रथ जो था, ये जरासंध का पिता था। ठीक है, जरासंध का पिता था और वसु का पुत्र था। ठीक है, अब महापद्मानंद ने मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया, और जिसने सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एकराट की उपाधि भी महापद्मानंद ने धारण करी थी। ये भी सही है। अब गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली मगध साम्राज्य की चार राजधानियां भी बनी, तो सभी के सभी सही है, तो कोई गलत है ही नहीं। अब देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंदवंश का था। किसका था? नंदवंश का था। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये था आपका कौन सा? मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध राज्य। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सी भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में क्या माना जाता है? तो चलिए देखते हैं। खरोष्ठी लिपि का प्रचार ईरानी, जब सबसे पहला आक्रमण जो है ईरानियों के द्वारा ही किया गया। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये सभी के सभी जो हैं ये ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में देखी जा सकती है। ठीक है, ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में देखी जा सकती है। कहा जा रहा है कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो देखिए, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। सही बात है, इस आक्रमण ने पश्चिम उत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल सही बात है। पश्चिम उत्तर किधर है?
इधर की ओर आपका अफगानिस्तान वगैरह साइड में, ठीक है, ईरान अफगानिस्तान। तो इधर सिकंदर अनेक उपनिवेशियों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है, और उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है क्योंकि ऐसा नहीं कर पाया था, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, किस राज्य में, नीचे दिए गए किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो देखिए मगध में जो थी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, याद रखिएगा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मगध में नहीं थी। आगे देखिए किसे सेनिया नियमित और स्थानीय अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता है, तो बिंबिसार को नियमित तथा अस्थाई सेना वाला रखने वाला सेनिया कहा जाता था, ठीक है। किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, तो भयानक सेना का स्वामी महापद्मानंद को कहा जाता था, भयानक सेना का स्वामी महापद्मानंद को कहा जाता था। डेरियस या फिर दारेबाहु प्रथम ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया या फिर बनाया, उससे कितना राजस्व उसे प्राप्त होता था, तो होता था कितना, 360 टैलेंट, ठीक है। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, निर्याकस आया था, एरिस्टियोबुलस आया था, एनाटिसिक्रेटस आया था, हेरोडोटस नहीं आया था, हेरोडोटस के बारे में आप जानते ही हैं। महाजनपदकाल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था, तो महाजनपदकाल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन कहा जाता था। अब देखिए गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, गृहपति का अर्थ धनी किसान होता है। आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ राजा है और राजा से संबंधित राज्य है, तो अष्टकुलक जो होता था वो क्या होते थे कौन से महाजनपदकाल में, तो परामर्शदायी संस्था होती थी, ठीक है, परामर्शदायी संस्था को, राजा को परामर्श देने वाला अष्टकुलक कहा जाता था। महामात्र जो होता था वो उच्च कोटि के अधिकारी होते थे, महामात्र जो होते थे महाजनपदकाल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे, बलि साधक होते थे, किसानों से कर वसूल करने वाला अधिकारी, बलि साधक जो होते थे किसानों से कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था, और शुल्काध्यक्ष तथा सौल्की जो होता था वो होता था शिल्पियों तथा व्यापारियों से शुल्क या फिर चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो अष्टकुलक होता था, परामर्शदायी संस्था थी, महामात्र जो थी वो उच्च कोटि के अधिकारी होते थे, बलिसाधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, और सौल्किक या फिर शुल्काध्यक्ष जो होता था वो शिल्पियों या फिर व्यापारियों से शुल्क या फिर चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया, तो याद रखिएगा अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करी और इसके पुत्र ने अदायन ने इसकी हत्या कर दी। चलिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं कहा जा रहा है कि कुछ महाजनपद है और उससे संबंधित राजधानी, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी था अहिच्छत्र, पांचाल का राजधानी अहिच्छत्र, कौशल का राजधानी साकेत, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिच्छत्र, कौशल साकेत, और वत्स आपका कौशाम्बी था, ठीक है, वत्स जो कि प्रयागराज वाला जिला का था इलाहाबाद। अच्छा कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पर, तो राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में स्थित था, मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था, तो वितस्ता को झेलम नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। अब हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन जिसमें बौद्ध धर्म जैन धर्म इन सब के बारे में हमें देखना है, तो धार्मिक आंदोलन का अगर काल देखा जाए तो छठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक के काल को कहा जा सकता है। देखिए जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर, तो 24 तीर्थंकर, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर। त्रिपिटक धर्मग्रंथ बौद्धों का है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त किया, तो याद रखिएगा कुशीनारा या फिर कुशीनगर में
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये किया था धर्मपाल ने। तो सीधी सी बात है, याद रख लीजिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण किससे प्रदान था? अशोक के द्वारा। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में किया गया था। त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। ठीक है, किस शासक के शासनकाल में? तो देखिए, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची है, इसीलिए ये विख्यात है। जांत्रिक महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था। ठीक है, महावीर की माता त्रिशला थी। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबद्ध था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबद्ध था। ठीक है, अंतिम व्यक्ति सुबद्ध था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, महावीर की मृत्यु कहां पर? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में, याद रखिएगा। अब देखिए, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कि अजंता में है। याद रखिएगा, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है जो कि अजंता में है। मठ मंदिर तथा स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से। मठ मंदिर तथा स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो याद रखिएगा, बिंबिसार के शासनकाल में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे, हरियंग वंश के बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहां पर? सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। और अपने इसके गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। बोधगया कहाँ स्थित है? बोधगया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है, अब देखिए, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई। अब देखिए, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? अभी हमने आपसे पूछा था और सामने आ गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं, बौद्ध धर्म ने समाज को निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना वैशाली में की गई। सर्वप्रथम शून्यवाद, जो शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। याद रखिएगा, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन था। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों या फिर सोलंकियों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने सबसे पहले शून्यता का सिद्धांत, शून्यवाद को प्रतिपादित किया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का उपयोग किया गया। ठीक है,
महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति, अशोक के शासनकाल में तृतीय, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का किस नगर में आयोजित की गई थी? तो याद रख लीजिएगा, ये आयोजित करी गई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो याद रखिएगा, ये हुआ था आपके पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। अच्छा, कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो याद रखिएगा, आत्मदमन। आत्मदमन जो है ये अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये सभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान है। लेकिन जो आत्मदमन है ये आपको जैन धर्म में देखने को मिलेगा, जिसे संलेखना पद्धति कहते थे। ठीक है, संलेखना कि मतलब कुछ खाओ पियो नहीं और जान गवा दो, संलेखना पद्धति, जिससे जिसके द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी जान गवाई थी। ठीक है, तो ये आत्मदमन जैन धर्म में देखने को मिला। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। तो ये समान नहीं था। अब आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि इस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति याद रखिएगा, ये किया गया था आपके राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए कुछ जन्म और उससे संबंधित जगह है। चलिए जन्म जो एक मिनट बुद्ध की जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाओं। तो बुद्ध के जीवन के जन्म कहाँ हुआ? बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। और निधन जो हुआ इनका कहाँ पर हुआ? तो कुशीनगर में हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। अब देखिए, कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो याद रखिएगा, 14 पूर्व जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व जो है ये पूर्वकालिक, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखरी गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो याद रखिएगा, हिंद यूनानी का। भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानी का सबसे अधिक योगदान था। अब देखिए, कहा जा रहा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की है, जिस धर्म की महिमा है, वो कौन सी धर्म है भाई? तो ये है आपका जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जैन धर्म में उल्लेखित है। ठीक है, जैन धर्म में उल्लेखित है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों सही है, लेकिन क्या एक दूसरे से संबंधित है? नहीं। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। चलिए, कहा जा रहा है कि चैत्य व विहार में क्या अंतर है? चैत्य या फिर विहार में क्या अंतर होता है? तो यहां से देखिएगा कि चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है, और जो विहार होता है वो निवास स्थान था। चैत्य जो होता था वो पूजा स्थल होता है, और विहार क्या होता है? निवास स्थान है भाई। तो ये दोनों में यही अंतर है। अब देखिए, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ, जो बौद्ध जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो ये आपका सम्मेद शिखर है। कौन सा है भाई? सम्मेद शिखर है, जो गिरिडीह झारखंड के गिरिडीह में, जो पारसनाथ की पहाड़ी है, सम्मेद शिखर। ठीक है, अब देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने करी थी। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख केवल वासुदेव से संदर्भित है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन कथन सही है? तो देखिए, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, बौद्ध धर्म ने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही। अच्छा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती भी दी बौद्ध धर्म ने, और कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। वासुदेव कृष्ण की पूजा किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सातवतों ने प्रारंभ की। अच्छा, निम्नलिखित चार स्थानों में बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए, बौद्ध जो संगति हुई, चार संगति हुई, तो उसका सही कालानुक्रम, सबसे पहला जो बौद्ध संगीति वो राजगिरी में हुआ था, उसके बाद जो द्वितीय बौद्ध
दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में, जो दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में, उसके बाद कुंडल वन में, सॉरी सॉरी पाटलिपुत्र में हुआ, पाटलिपुत्र में अशोक के ये में, और कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में। तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था, ठीक है। तो ये किसे किया था भाई, तो ये किया था आनंद महाकश्यप या फिर रूपाली को। तो किसी को भी अपना बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए नामित इन्होंने नहीं किया था, इसे भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, कहा जा रहा है कि स्यादवाद सिद्धांत क्या है भाई। स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म का है, स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है, ठीक है, सांची में स्थित है। किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, और दिगंबर के कौन थे, भद्रबाहु थे, दिगंबर के भद्रबाहु थे। भारत के सबसे प्राचीन विहार कौन है, तो भारत के सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। भारत का सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में, द्वितीय जैन महासभा वल्लभी में हुआ था, ठीक है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, तो प्राकृत व अर्धमागधी में। जैन साहित्य का संकलन जो है प्राकृत व अर्धमागधी में है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था, तो जो है आपका बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, ये सभी समकालीन थे। बिंबिसार गौतम और ये जो आपका प्रसेनजीत है, ये सभी आपस में समकालीन थे, लेकिन ये मिलिंद जो है ये समकालीन नहीं था, ठीक है, समकालीन नहीं था। अब आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ये गलत है, क्योंकि वर्धमान महावीर की जो माता जी थी वो लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी, ठीक है, चेटक की बहन थी, न कि पुत्री थी, तो ये गलत हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही बात है, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, 2 और 3 सही होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता, तो ये क्या था, तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था पवरन, ठीक है। बौद्ध मठ में एक समारोह आयोजित किया जाता था, कौन सा, पवरन नाम का। तो पवरन नाम का जो समारोह होता था, वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध मठों में जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो प्रवास करते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में कहाँ ही जाएंगे, तो इसी कारण से उस समय क्या करते थे, जो भी उनके द्वारा अपराध वगैरह किए गए हैं गलती से, तो उसका स्वीकार किया जाता था, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता नागार्जुन ने करी थी, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने करी थी। अब आगे देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जैन धर्म के अहिंसा पर बल जो दिया गया था, कि अहिंसा पर जो बल दिया गया था जैन धर्म में, तो कृषक जो थे उन्होंने वो सोचे कि अगर हम अहिंसा पर उतारू हो जाएंगे, एक कीड़ा भी अगर हम नहीं मारेंगे, तो हम जो हल बैल जोतते हैं तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो इस कारण से हम जैन धर्म को नहीं अपना पाएंगे, ठीक है। और कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, तो ये जो कथन और कारण दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या भी करता है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। और अगर ऐसे पूछा जाए अष्टांगिक मार्ग, तो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है 8 मार्गों की अष्टांगिक मार्ग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है, ठीक है। अब आगे देखिए, मिलिंद पनाहो, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य का संवाद है, तो याद रखिएगा यह आपका नागसेन और राजा मिलिंद के बीच जो है संवाद है मिलिंद पनाहो, ठीक है। महायान, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर
को किस और नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा पद्मपाणि से। महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से भी जानते हैं, पद्मपाणि के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी और देवताओं की पूजा ही थी, देवी देवताओं की पूजा ही थी, ठीक है। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हो गया? तो यह विभाजित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय दिगंबर और श्वेतांबर में। श्वेतांबर संप्रदाय के जो हेड हुए वो कौन हुए? स्थूलभद्र, और आपका जो दिगंबर संप्रदाय के जो हेड हुए वो भद्रबाहु हुए। कौन? भद्रबाहु हुए, ठीक है। अब देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति वगैरह वगैरह दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा करी गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? महाकश्यप की अध्यक्षता में। उसके बाद जो है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सवाकमीर ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था भाई? तो राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सवाकमीर ने की। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मुगलापुता तिसने की थी, जो कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। याद हो गया प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर? तो याद रखिएगा राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्षता महाकश्यप ने की। द्वितीय बौद्ध संगति सवाकमी की अध्यक्षता में, सवाकमी की अध्यक्षता में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, अध्यक्षता किसके? मुगलापुता तिसने। और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र के शासनकाल में, कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं बौद्ध संगतियों के चार आयोजकों का सही क्रम क्या है, बौद्ध संगतियों के चार आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो अभी हमने ऊपर में देखा, सबसे पहला अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद कशोक, उसके बाद कनिष्क। कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग जातक नहीं है, बल्कि सुत्तपिटक, विनयपिटक, अभिधम्मपिटक, ये सभी त्रिपिटक हैं। अच्छा, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। केवलिन, महावीर का नाम जो है केवल कब पड़ा, कब कब किस किस मतलब किस किस समय पड़ा, ठीक है। चलिए, केवलिन का अर्थ क्या होता है? केवलिन जो कि महावीर का ही नाम है, इसका अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी, मतलब कैवल्य को प्राप्त करने वाले, कर लेने वाला केवलिन, ठीक है, पूर्ण ज्ञानी। अच्छा, जिन का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ अपरिमित, पराक्रमी, और निर्ग्रंथ का अर्थ हर एक बंधन से मुक्त, हर एक बंधन से मुक्त। महावीर ने जैन संघ की स्थापना, पावा में करी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में करी। अच्छा, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ, ठीक है। अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु, जो कि जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के हेड थे, भद्रबाहु, ठीक है। परिशिष्ट पर्व, जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, उसके रचयिता कौन? तो उसके रचयिता है हेमचंद्र। और स्थूलभद्र की रचना कल्पसूत्र, याद रखिएगा। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका भगवती सूत्र, और गौतम बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। किसे? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ठीक है। जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या है? जैन शिल्पकला के उदाहरण उड़ीसा का थोड़ी खांसी हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा खांसी हो गया है। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुंफा मंदिर, आबू, या फिर राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, जोधपुर के निकट रनकपुर का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला, या फिर कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये सभी जैन शिल्पकला के ही उदाहरण हैं, जैन शिल्पकला के ही उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्यों के द्वारा मिला था, ठीक है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्यों के द्वारा दिया गया था, गुजरात के चालुक्यों के द्वारा दिया गया था। अच्छा, सुधोधन जो थे वो बुद्ध के पिता थे, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या फिर विमाता, यानी कि गौतम बुद्ध को पालने वाली थी उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी, ठीक है।
अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। चन्ना कौन था? देखिए चन्ना जो था वो बुद्ध का सारथी था, कंठक था बुद्ध का प्रिय घोड़ा, और अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव, यानी कि इन्होंने इनसे ही इन्होंने पहले जाकर के शिक्षा ली थी। निरंजना क्या है? तो नदी निरंजना एक नदी है जिसके तट पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति करी थी। अब आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है? आनंद तथा उपाली बुद्ध के शिष्य थे, बिल्कुल सही बात है, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। ठीक है, सुजाता जो थी कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। ठीक है, ये भी सही है। चुंद कौन था? तो पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, तो ये भी सही है। राहुल जो है बुद्ध का चचेरा भाई नहीं, बल्कि राहुल बुद्ध का पुत्र था राहुल। ठीक है, अब आगे देखिए महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य ये के थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध, अब आगे देख लेते हैं, शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं, चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध, तो जो गौतम है वो बुद्ध का गोत्र का नाम है, बिल्कुल सही बात है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है। बुद्ध कब, उनको बुद्ध कब कहा गया? तो संबोधि प्राप्ति या फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम पड़ा बुद्ध। ठीक है, अब आगे देखिए महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण को कहा गया गृह, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। संबोधि कहा गया ज्ञान प्राप्ति की घटना को। धर्म चक्र प्रवर्तन गौतम बुद्ध के पहला उपदेश सारनाथ में जो दिया गया था, और महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहा गया। ठीक है, अब देखिए बुद्ध में वैराग्य की भावना किन चार दृश्यों के कारण हुई? ठीक है, तो देखिए बूढ़ा, रोगी, लाश तथा सन्यासी। देखिए भगवान बुद्ध को वैराग्य की भावना इन चार तो एक बूढ़ा, दूसरा रोगी, तीसरा लाश और सन्यासी को देखकर इनके मन में वैराग्य की भावना पनप गई। ठीक है, और बल मतलब पूरी तरह से स्ट्रांग हो गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए। अब आगे देखिए बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, अश्वघोष इसके रचनाकार है। तो यह भी पूछा जाएगा बुद्ध चरित्र अश्वघोष। ठीक है, और इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। महाविवाह शास्त्र के रचयिता वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो याद रखिएगा कौन सी बौद्ध रचना, तो धम्मपद जो है ये गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो याद रखिएगा मैत्रेय को। ये कहा जा रहा है कि अभी भगवान बुद्ध फिर से जन्म लेंगे, तो ये है आपका मैत्रेय। ठीक है, अब देखिए किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? तो ये हुआ था कनिष्क के समय में। ठीक है, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। योगाचार्य या फिर विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि वज्रपाणि किसे कहा जाता था, पद्मपाणि कौन है? तो इनके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, वज्रपाणि इंद्र देवता के तुल्य कहा गया वज्रपाणि को। पद्मपाणि जो थे वे अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, और अमिताभ स्वर्ग के देवता। ठीक है, वज्रपाणि इंद्र देवता के समतुल्य, पद्मपाणि अवलोकित स्वर और मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला और अमिताभ स्वर्ग के देवता। ठीक है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान। याद रखिएगा हीनयान संप्रदाय भारत से दक्षिण की ओर देशों में ज्यादातर हीनयान संप्रदाय ही प्रचलित हुआ। ठीक है, हीनयान संप्रदाय। अब देखिए कहा जा रहा है कि भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ वो था आपका महायान। तो हीनयान दक्षिण के देशों में और उत्तर की ओर महायान संप्रदाय। ठीक है, अच्छा बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था? बौद्ध धर्म का मूल आधार था चार आर्य सत्य। ठीक है, बौद्ध धर्म का मूल आधार, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न था बुद्ध धम्म संघ। याद रखिएगा बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि सुना होगा आपने। अब देखिए कहा जा रहा है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पालों के द्वारा मिली पाल शासकों के द्वारा। देखिए नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र और उसके संस्थापक कौन है? तो ये याद रखिएगा आपका नालंदा के
संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के, गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे गोपाल, जो कि पाल वंश से संबंधित थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल, जो कि पाल वंश से थे। वल्लभी जो कि था विश्वविद्यालय के संबंध का संस्थापक थे भट्टार, जो कि मैत्रक वंश से संबंधित थे। तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल, विक्रमशिला धर्मपाल और वल्लभी भट्टार, ठीक है, भट्टार। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि अनेकांतवाद निम्न में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है आपका जैन मत का अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जो है ये आपका जैन धर्म का सिद्धांत तथा दर्शन है, ठीक है, अनेकांतवाद। अब देखिए, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में किससे संबंधित है? तो बाहुबली से। याद रखिएगा, बाहुबली से संबंधित है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक, ठीक है, महामस्तकाभिषेक। अब आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है, और इस कथन के आलोक में कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? देखिए, वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे,